पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुस्लिम बहनों पर अत्याचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शगुफे छोड़े के तीन तलाक के बहाने मुस्लिम बहनों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बहनों पर अत्याचार हो रहा है और तमाम मुस्लिम बहनों ने अपना भैया जो है प्रधानमंत्री जी को मान लिया है और मोदी जी को भैया मान करके वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तमाम नाटक करते हुए हाथ जोड़ते हुए संबित पात्रा भी लाखों डिबेट का हिस्सा बने और तीन तलाक के बहाने मुस्लिम बहनों को टारगेट किया और मुसलमानों को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिशें की गई। पर तीन तलाक पर जो मुस्लिम बहनों का भैया होने का दावा कर रहे थे, अब सवाल उन भैयों से हो जाए जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाएंगे। क्या उन भाईगिरी करने वाले भाइयों के पास में वो तस्वीरें नहीं पहुंची जहां सुल्ली ऐप के जरिए मुस्लिम बहनों को टारगेट किया गया? अब कहां मर गए हैं वो राजनेता और वो तमाम लोग जो बहनों का भाई होने का दावा कर रहे थे? आपको कहीं भी तस्वीर ये नजर नहीं आएगी और किस तरह से सुल्ली ऐप के जरिए मुस्लिम बहनों को बदनाम किया गया है इसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। सुल्ली ऐप बनाया गया जिसमें से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को एक ऐप के जरिए चुराया गया, यानी कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए उन तस्वीरों को चुराया गया, उनके एड्रेस को नोट डाउन किया गया और उस एड्रेस को नोट डाउन करने के बाद उनकी बोली इस ऐप पर लगाई जा रही थी। पर हर जगह सुल्ली ऐप को लेकर के खामोशी है और इसका जो सबसे ज्यादा सबूत मिले सोशल मीडिया के जरिए अब एक एक कर तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दो शख्सों की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी तस्वीर जो है स्क्रीन पर दिखाई जाए और इस वीडियो को आप भी इतना फैलाइए कि ये दो जो हैवान हैं जो मुस्लिम बहनों के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं, जिनके दिमाग में गौमूत्र और गोबर भरा हुआ है, वो लोग किस तरीके से मुस्लिम बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो लोगों की तस्वीर जो है हम लोगों के सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए। इसे तलाशने की कोशिश की गई कि आखिरकार इन लोगों को कौन भ्रमित कर रहा है, आखिरकार इन लोगों के दिलों में, इन लोगों के दिमागों में ये गंदगी कैसे भरी गई है। और ये वीडियो इतना फैलना चाहिए कि इनके भी घर में माँ बहनें होंगी, बेटियां होंगी, ताकि ये भी इन हैवानों का चेहरा देख सके कि किस तरीके से ये दूसरे धर्म की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या इनके थॉट हैं मुस्लिम बहनों को लेकर के, इसे भी आपके सामने रखता हूं। ये शख्स जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसका नाम है कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा लिखता है, जिसकी आईडी में नीचे लिखा गया है कि हिंदू होना भाग्य है पर कट्टर हिंदू होना सौभाग्य है। तो समझ सकते हैं कि किस गंदगी और किस मानसिकता से जुड़ा हुआ ये इंसान है जो ये बातें लिख रहा है। और तो और मुस्लिम बहनों के लिए इसने क्या लिखा है इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। ये लिखता है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उसे सरकारी प्रॉपर्टी समझकर यूज करो, खुद भी मजा लो, दूसरों को भी दिलवाओ, सबका साथ सबका विकास तभी होगा। ये कुणाल शर्मा जो है इसकी तस्वीर सामने आ रही है और ये क्या कुछ लिख रहा है ये लोगों के सामने आना जरूरी है और किस तरीके से ये लगातार गंदगी परोस रहे थे। और अब एक स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे डायरी। इस डायरी में ये लोग जो हैं मुस्लिम महिलाओं का नाम लिखते हैं जिसमें शमा लिखा जाता है और उसके आगे रेड मार्क करते हुए ये दिल्ली लिख रहे हैं, यानी कि तमाम जगहों से इनके जो सोशल मीडिया के जरिए इनकी तस्वीरों को चुराया गया, इनके नामों को उठाया गया और किस जगह पर ये रहती हैं उसे एक डायरी में नोट डाउन किया गया है। ये तस्वीर सामने आई है और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये लोग इन तीनों तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने के लिए कुछ लोग एक्टिव हैं। उनका मकसद है मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर उनकी इस्मत से खिलवाड़ करना, उनको बर्बाद करना, उनको बदनाम करना। ऐसे संघी मानसिकता वाले लोगों से जितना हो सके दूर रहें, किसी की भी चिकनी बातों में ना आए।
सोशल मीडिया पर ये बातें इन दोनों लोगों की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा जा रहा है। पर इस बात को भी गौर करना जरूरी है कि ये एक मानसिकता नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है जिसके चलते सुल्ली ऐप बनाने वाले भी इन्हीं के पीछे हैं। और किस तरीके से ये महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, जो कि डायरी के साथ साझा किया गया है, हर एक जगह मुस्लिम महिला का नाम है और साथ ही साथ किस जगह वो रहती हैं उसके बारे में इन लोगों ने साझा कर रखा है। और क्या इनकी मानसिकता है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के भी ये जग जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। पर लगातार ये देखा जा रहा है कि ये संघी मानसिकता वाले, एक शब्द का मैं यूज करने जा रहा हूं और उस शब्द के लिए मैं माफी भी मांगना चाहूंगा, कि ये संघी मानसिकता नहीं है, ये इनका कुत्ता पना है। जो कुत्ता पना इनका निकल करके बाहर आया है मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि इनको इसी शाखा से परिभाषा दी गई है कि आप जितना जहर उगल सकते हैं उगलिए, बचाने वाले इनके आका और अब्बा हैं जो इन्हें बचा करके ले जाएंगे। पर सुल्ली ऐप पर हर जगह खामोशी है, जहां जोर शोर से इसका विरोध होना चाहिए था कोई भी इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं का भैया होने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री तक अभी तक इस पर ट्वीट करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्ला या सुल्ली एक अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। सुल्ली डील ऐप के खुलासे के बाद से बवाल मच गया है। सुल्ली सेल और सुल्ली डील के जरिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और शोधियों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि अतिया जुनेद लिखती हैं कि अरीब मेहर जैसी बेखौफ लड़कियां मुझे कल से भूल नहीं रही हैं। आखिर ये वाहियात ऐप किन लड़कियों को टारगेट बनाते हैं, इनका नतीजा क्या होता है? लोग कह रहे हैं कि तस्वीरें मत डालो, जो अंध नंगी डाल रही हैं हम कब उनके हक में हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अंध नंगी औरतों की ही बोली लगेगी। ये भी चीजें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं, जिसमें आपको बता दें क्या वाकई औरत आपके लिए एक बेजान शय है जो सात पर्दों में छुपाकर बैठी रहे? क्यों बैठी रहे भाई? रेलवे स्टेशन का पर टिकट की लाइन में तो आप औरत को आगे कर देते हैं ताकि टिकट जल्दी मिल जाए, फिर आज इतने बड़े मुद्दे पर आपकी आवाज क्यों नहीं फूट रही है? तस्वीरें ना लगाने, फेसबुक इंस्टाग्राम ना इस्तेमाल करने से मसले का हल निकल जाएगा क्या? वाकई आखिर क्यों नहीं निकल रही आपकी आवाज सुल्ली डील ऐप के खिलाफ? लगातार जो है लोगों का ये सवाल है। और आखिरकार ये जो दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन दो तस्वीरों के पीछे कौन है और आगे कौन है, इसको भी सामने आना जरूरी है। जहां ये अपनी संघी मानसिकता जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सुल्ली ऐप डील के जरिए एक बड़ा खुलासा जो है अभी हम लोगों के सामने आया, जिसको लगातार हम रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च के दौरान ये दो चेहरे सामने आ रहे हैं जो खुद को कट्टर हिंदू होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए जो इनके दिमाग में गंदगी है और जो दिलों में इनकी नफरत भरी गई है वो खुल करके सामने आ रही है। पर मुझे तरस आता है इनकी घर की महाबहन और बेटियों पर, आखिरकार वो कैसे इन हैवानों से महफूज रह पाती होंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।